जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रावण मास की शीतला सप्तमी की व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। इस व्रत को माता अपने बच्चों के लिए रखती है। इस दिन पूजा के बाद शीतला माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं माँ शीतला की कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके दो बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए दो बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। इसके बाद सास शीतला माता का भजन गाने लगी और दोनों बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गए। दोनों से घर आकर गरम गरम खाना खाया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं से खाना खाने के लिए कहा। दोनों बहुएं काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गई, दोनों बच्चे मृत थे। ऐसी शीतला माता के प्रकोप से हुआ। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुना और कहा कि अपने बेटों के लिए तुमने माता शीतला की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरे में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीड़ वृक्ष आया, जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे दो बहनें बैठी थी जिनका नाम ओरी और शीतला था। दोनों के बालों में जू थी। बहुएं काफ़ी थक गई थी, वह भी उसी ब्रिज के नीचे बैठ गई। इसके बाद दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं के निकल जाने से उन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। दोनों बहनों ने कहा कि अपने मस्तक में शीतला का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिली। दोनों बहुओं ने कहा कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। इतने में शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा मुंह तो देखने लायक ही नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुमने दोनों ने गरम खाना खाया। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता शीतला से वंदन करने लगी। दोनों ने कहा, माता हमें माफ़ कर दो, हमने अनजाने में भोजन कर लिया। हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित थे, हम दोनों को माफ़ कर दो, हम दोनों फिर से ऐसा काम नहीं करेंगे। दोनों के बात सुनकर माता शीतला को उन पर तरस आ गया और उन्होंने दोनों बच्चों को जिंदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर घर लौट आई और उन्होंने बताया कि उन्हें शीतला माता के दर्शन हुए थे। दोनों बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर माता शीतला का ध्यान करें। शीतला सप्तमी के दिन व्रती को प्रातःकालीन कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ व शीतल जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पूजन उनका करना चाहिए। संकल्प के पश्चात विधि विधान
तथा सुगंध युक्त गंध व पुष्पादि से माता शीतला का पूजन करें। सप्तमी के दिन महिलाएं मीठे चावल, हल्दी, चने की दाल और लोटे में पानी लेकर पूजा करती हैं। पूजन का मंत्र ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः का निरंतर उच्चारण करें। माता शीतला को जल अर्पित करें और उनकी खुशबू दे अपने ऊपर भी डालें। जो जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। यह जल पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्य आँखों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है। इसके पश्चात एक दिन पहले बनाए हुए बासी खाद्य पदार्थों, मेवे, मिठाई, पुआ पूरी, दाल भात आदि का भोग लगाएं। ज्ञात हो कि शीतला सप्तमी के व्रत के दिन घरों में ताज़ा भोजन नहीं बनता है, अतः भक्त इस दिन एक दिन पहले बने भोजन को खाते हैं और उसी को माँ शीतला को अर्पित करते हैं। तत्पश्चात शीतला स्तोत्र का पाठ करें और कथा सुने। कथा पढ़ने या सुनने के बाद शीतला को भी मीठे चावलों का भोग लगाएं। रोगों को दूर करने वाली माँ शीतला का वास बट वृक्ष में माना जाता है, अतः इस दिन बट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। कई स्थानों पर शीतला सप्तमी को लोग गुड़ और चावल का बने पकवान का भोग लगाते हैं। पूजा करने के बाद गुड़ और चावल का प्रसाद का वितरण करते हैं। जिस घर में सप्तमी अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी अष्टमी व्रत का पालन किया जाता है वहाँ उस घर में सुख शांति बनी रहती है तथा रोगों से मुक्ति निजात भी मिलती है। इसी तरह देवी माँ शीतला की पूजा करने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी बनते। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इसका कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे जिनमें खुजली व जलन होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ते जाता। क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं,
पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गए। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्रधारी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गए। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सब कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों को भोग लगाने की मान्यता है। इस तरह पूजन एवं कथा वाचन से पुण्य फलों की प्राप्ति तथा कष्टों का निवारण होता है।